नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। भाई जी हाँ, कुवैत के काफ़ी सारे इंडिया के लोग रहते भी हैं, लगभग मेरे हिसाब से 1 मिलियन से ऊपर लोग हैं इंडिया में, लोग कुवैत जाना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी पसंद लोगों की कुवैत है। अब कुवैत की हो सकता है करेंसी हाई होने की वजह से लोग कुवैत जाना चाहते हैं, जी हाँ ये भी एक रीज़न है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इंडिया के लाखों की संख्या में कुवैत में है, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई भारतीय जो दूतावास है इंडिया का, जी हाँ उन्होंने हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। कुवैत में भी काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि इंडियन एम्बेसी हेल्प नहीं करती, या फिर आपको छोटी छोटी समस्याओं के लिए एम्बेसी जाना होता है, इंडियन एम्बेसी जो आपसे 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पड़ती है, जी हाँ इन सब का इंडियन दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए शुरू किया है। और हेल्पलाइन नंबर भी भाई एक नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब मैं हम बात कर लेते हैं जो हेल्पलाइन नंबर है वो 12 कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, एक नहीं है, एक दो नहीं है, 12 वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं और स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसमें से आपको जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैं बता दूं, जो 12 कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉलिंग नंबर नहीं है, ये है व्हाट्सअप नंबर, आपको क्लियर कर दूं। और व्हाट्सअप में भी टेक्स्ट आप मैसेज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप वॉइस कॉल करने लग जाओ रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, ये व्हाट्सअप पे टेक्स्ट मैसेज करिए। इसके अलावा आपको लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, अन्य जो तरीके पहले से थे जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर रहे थे वो यथावत हैं, वो तो चल ही रहे हैं। इनके अलावा 12 कॉन्टैक्ट नंबर और दिए गए हैं, जो अच्छी बात है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हेल्प कैसे मिलेगी आपको। सबसे पहले आपको ये नहीं कि आप डायरेक्ट मेरा नाम ये है मुझे ये समस्या है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरे डिटेल भरनी पड़ेगी, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका पता, आपका पासपोर्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं। पूरी डिटेल डालोगे तो उनको समझने में आसानी होगी और आपको रिप्लाई ज़रूर जल्दी ही मिल जाएगा, जी हाँ। अब सुविधा की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो भाई लगभग ऑफिशियल टाइम तो आपको पता है 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही होता है, बाकी आप अपने स्तर पे पता लगा सकते हैं, उसके हिसाब से टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, 8 से 5 बजे तक भी हो सकता है, जो भी है। रविवार से गुरुवार, इस बात का आप ध्यान रखिए, रविवार से लेके गुरुवार तक ये सुविधा मिलेगी, बाकी दिनों में ऑफ रहेगा, तो आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई सुविधा कौन कौन सी मिलेगी, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देखिए कि ये पूरी सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी डायरी में आप नोट करके रख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होने पे कौन से नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। ये नहीं कि 12 नंबर हैं आप दूसरे पे कर रहे हो, आपकी समस्या है उसका नंबर दिया गया है इसमें, उसी पे आप कॉल करिए ताकि आपको तुरंत रिजल्ट मिले। आप जैसे इंडिया में आप होते हैं, आपको एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी आपके पास सिम होती है, तो आपके आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उनके अलग अलग नंबर दिए होते हैं, एक दबाइए ये प्रॉब्लम होने पे, 4 दबाइए, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो प्रॉब्लम है उसके अलग अलग नंबर दिए गए हैं, उन पे आप व्हाट्सअप पे अपना पूरा डिटेल डालिए और फिर आपको टेक्स्ट मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप एम्बेसी में जाके भी हेल्प लेना चाहे तो वो मिल जाएगी, तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए। ये देख सकते हैं भाई आप, सीरियल नंबर बाकायदा दिया गया है, डिवीज़न इसमें दिया गया है और फ़ोन नंबर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग 12 नंबर हैं, इसमें पासपोर्ट सेवा से रिलेटेड नंबर हैं, काउंसलर नंबर दिए गए हैं अलग अलग में, वीज़ा से रिलेटेड आपका नंबर फर्स्ट में है, हॉस्पिटल इमरजेंसी मेडिकल से रिलेटेड आपका 3 नंबर का नंबर रहेगा, पासपोर्ट वाला ऊपर का नंबर है 1 नंबर पर, जी हाँ। आपको मान लीजिए वहाँ पे डेथ किसी की हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है, वो 4 नंबर का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन इन कुवैत, इस पर भी आपको कम्युनिटी अफेयर्स का नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स यानी जो घरेलू नौकर हैं उनके कोई समस्या होती है लेबर से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड, तो आपका व्हाट्सअप नंबर अलग से दिया गया है। 7 नंबर की बात करें, लेबर वीज़ा 14 नंबर वीज़ा, 18 नंबर वीज़ा मेल डोमेस्टिक वर्कर, जी हाँ मेल का मतलब आप समझ सकते हैं जो पुरुष होते हैं उनके लिए, और फीमेल का 6 नंबर है और मेल का 7 नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ लोग कम पढ़े लिखे उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे 8 नंबर बात करें, कॉमर्शियल अटेंशन का नंबर इसमें दिया गया है, बिजनेस से रिलेटेड है। 9 नंबर की बात करें तो इमरजेंसी हेल्पलाइन है आउटसाइड द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, जी हाँ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है ये।
10 नंबर पे बात करें तो पासपोर्ट रूटीन इंक्वायरीज, इस पर भी आप क्वारीज, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो 10 नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आगे और नंबर दिए हैं, क्वारीज रिलेटेड नंबर हैं एक नंबर, इश्यू फैक्ट बाई डोमेस्टिक वर्कर्स वीज़ा नंबर 20, जी हाँ, फॉर डायरेक्ट कॉल एंड व्हाट्सअप। इस नंबर पे भाई आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये जो 12 नंबर दिए गए हैं, 9 नंबर ऊपर हैं, 10 और 11 और 12, जी हाँ, इन नंबरों पे आप बात करके आपकी जो भी समस्या है उसी से रिलेटेड आप कॉन्टेक्ट करिए, और इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लें ताकि आपको ईजी हो रहे आगे भी भविष्य में देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो बस साथियों, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, लाइफ में कभी हमेशा के लिए काम आता रहेगा। अन्य लोगों को भी ज़रूर शेयर करिए, ये उन लोगों को शेयर करिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर की जगह जॉब करते हैं, जो आउटसाइड में या फिर जो कुवैती के घर में जॉब करते हैं या फिर बाहर में जिनको बोल सकते हैं खेती बाड़ी वाले मसूसा जिनको बोल सकते हैं, उनसे रिलेटेड उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन लोगों की, इन नंबरों की। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय